मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इनकम टैक्स से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे इनकम के बारे में जिसमें कि इनकम टैक्स फुल्ली एग्जेम्प्ट है, मतलब कि ऐसी इनकम जिसमें आपको एक रुपए का भी टैक्स नहीं लगता है, चाहे वो आप कितनी भी इनकम कर ले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आप भी इस पांच इनकम के बारे में अच्छे से समझ पाए और अगर आपकी इनकम होती है इन पांचों सोर्सेज से तो उस पर आप गलती से टैक्स ना जमा करते। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे पांच ऐसे इनकम जो पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। टैक्स फ्री मतलब इनकम टैक्स फ्री हैं, 0% इनकम टैक्स लगता है। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। सबसे पहला इनकम है शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। जी हाँ फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आप किसी एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स रहते हैं तो उस पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट होता है, सपोज करते हैं 30,000 रुपए और उसमें तीन पार्टनर्स होते हैं तो तीनों में अगर इक्वल वो प्रॉफिट बटता है 10,000 का, तो वो 10,000 रुपए का जो शेयर आपका हुआ वो बेसिकली आपकी बिजनेस इनकम ट्रीट की जाती है आपके पर्सनल हैंड में, इंडिविजुअल हैंड में। जब एक पार्टनर अपनी इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करता है तो उसमें उस वाले इनकम को 10,000 रुपए जो प्रॉफिट हुआ है पार्टनरशिप फर्म के शेयर में आपका, वो आपकी बिजनेस इनकम होती है। वो आप अपने पीजीबीपी इनकम में दिखाएंगे लेकिन उसके अंदर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं देनी होती है, वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। वही चीजें लिखी गई हैं इसमें, इफ यू आर अ पार्टनर ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म एनी शेयर यू मे हैव इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स ऑब्लिगेशन एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। एनी पार्टनर और पार्टनर्स आर नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इनकम व्हिच इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म। Any other funds received by the partner of a partnership firm or LLP other than the share of profits such as remuneration or interest remains taxable, but the interest on capital or remuneration received by the partners is not exempt। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का जो पार्ट होता है वो आपके हैंड में, एक पार्टनर के इंडिविजुअल हैंड में, वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म से किसी इंटरेस्ट को इंटरेस्ट प्राप्त कर रहे हैं या आप सैलरी ले रहे हैं तो वो आपको टैक्स लगेगा आपके पर्सनल हैंड में, क्योंकि वो एक्सपेंसेस मिल जाता है पार्टनरशिप फर्म को। पहला इनकम आपका हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा है इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग्स अकाउंट। अगर आपने पैसा अपना सेविंग्स अकाउंट के अंदर रखा हुआ है तो उसके अंदर आपको 10,000 रुपए तक की अगर आपकी सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट है तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, उस 10,000 रुपए तक का आपको डिडक्शन दे दिया जाता है। For example, if you are getting ₹5,000 as interest from your saving bank account at bank X and ₹10,000 from bank Y, your taxable income from savings bank interest is ₹5,000 only. आपका total savings bank का जो interest हुआ दोनों बैंकों को मिला के वो होता है 15,000 का, लेकिन आपको जो tax लगेगा सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए पे लगेगा। 10,000 रुपए का तक का जो tax income है, savings income है, savings interest का income है, वो आपका पूरा tax deduction आपको उसमें दे दिया जाता है। तो ये हो गया दूसरा इनकम इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स। नेक्स्ट इनकम पे आते हैं रिसिप्ट फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ये भी होता है। इसके बारे में क्या बातें बताई गई हैं? इफ यू रिसीव इनहेरिट मनी एज अ मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी इनकम टैक्स ऑब्लिगेशन। दिस एग्जेम्प्शन कम्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट व्हिच स्टेट्स दैट The amount received out of the family income or in case of impartible state, amount received out of income of family state by any member of such HUF is exempt from income tax. HUF is a separate assessable entity under the Income Tax Act. Suppose करते हैं कोई एक individual A है, उसका एक HUF भी है, A and Sons HUF. तो उस HUF से जो पैसा मिलेगा, अगर आप उस HUF के member हैं या co-partner हैं और आपको उस इनहेरिट मनी का, HUF के जो इनहेरिट मनी होती है, जो दादा परदादाओं की प्रॉपर्टीज होती हैं, इनहेरिट मनी से जो पैसा आपको मिलेगा एज अ मेंबर ऑफ द HUF, तो वो आपके हाथों में बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। अब सपोज करते हैं कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि HUF की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम होती है और उस इनकम का शेयर आपको दिया जाता है एज अ मेंबर ऑफ HUF, तो उस टैक्स उस अमाउंट पे भी या उस अमाउंट पे भी जो आपको शेयर दिया गया है इम्पार्टेबल स्टेट का, उसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और HUF और इंडिविजुअल जो है दो अलग अलग एंटिटीज होती हैं। इनकम टैक्स के अंदर इंडिविजुअल अलग ट्रीट होता है, HUF अलग ट्रीट होता है, तो यहाँ पे अच्छी खासी टैक्स प्लानिंग हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट निकल के आता है स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड्स।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और काफी लोग इस चीज को इग्नोर भी करते हैं। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप या अवार्ड मिलता है तो वो इनकम टैक्स के अंदर पूरी तरीके से एग्जम्प्ट किया गया है। एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप और अवार्ड ग्रांटेड टू एनी डिजर्विंग स्टूडेंट टू मीट द कॉस्ट एजुकेशन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई स्कॉलरशिप दिया जाता है किसी एक स्टूडेंट को, या कोई एक अवार्ड दिया जाता है किसी एक डिजर्विंग स्टूडेंट को, और वो स्कॉलरशिप या अवार्ड जो दिया जाता है वो दिया जाता है उसको अपने पढ़ाई की खर्चे को बेयर करने के लिए, तो जो भी स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, चाहे वो स्कूल से दिया जा रहा हो, चाहे वो कॉलेज से दिया जा रहा हो, जहां से भी आपको स्कॉलरशिप या अवार्ड के रूप में कोई इनकम मिलती है, वो पूरी की पूरी इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्ट की जाती है। अगर आपके बच्चे की कोई इनकम है जो कि स्कॉलरशिप के थ्रू आती है, तो वो अगर वो माइनर है तो उस इनकम को आप अपने में इंक्लूड कर सकते हैं और वो पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। देयर इज नो कैप ऑन द मैक्सिमम लिमिट एंड द एंटायर सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज अ स्कॉलरशिप गेट्स द टैक्स एग्जेम्पशन ट्रीटमेंट। सबसे अच्छी बात यह है कि स्कॉलरशिप्स और अवार्ड्स के अंदर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब की गई है कि इतने लिमिट तक का जो स्कॉलरशिप या अवार्ड होगा उसी को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। 100% अमाउंट रिसीव्ड एज स्कॉलरशिप एंड अवार्ड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर द डिजर्विंग स्टूडेंट्स इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये काफी सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और जो कि अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, उनके लिए काफी अच्छा ये स्टेप होता है। उसके बाद आता है अमाउंट रिसीव्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट। सपोज करते हैं कोई एक सैलरीड पर्सन है जिसके की रिटायरमेंट की एज आज आई नहीं है, लेकिन वो वॉलंटरली नौकरी छोड़ना चाहता है। जब वो नौकरी छोड़ता है तो उसको जो अमाउंट मिलते हैं, जो जितने भी पीरियड में वो अपना जॉब कर रहा होता है, उस पीरियड का जो भी अमाउंट उसको मिलता है वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद, वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट माना जाता है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी और लोकल अथॉरिटी वेयर द स्कीम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट इज फ्रेम्ड एज पर रूल 2BA ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स गेट अ टैक्स एग्जम्पशन ऑफ अप टू ₹5 लाख फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड एज वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, उस वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते समय आपको जो भी अमाउंट मिलेगा, चाहे आप कंपनी के जॉब कर रहे हो या किसी लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉई हो, तो आपको 5 लाख तक की जो इनकम है, जो अमाउंट आपको मिलेगा एट टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसमें से 5 लाख रुपए तक का जो इनकम होता है उसको फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिया जाता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये 5 इनकम ऐसे हैं जिसमें कि काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, और ये इनकम होते हुए भी वो लोग इनकम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि टैक्स लग जाएगा, इसीलिए वो इनकम डिस्क्लोज नहीं करते, जिसकी वजह से वो अमाउंट बेसिकली ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपके साथ यही जानकारी शेयर करी है कि अगर आपके पास ऐसी कोई इनकम आती है इन 5 सोर्सेज से, तो आप उसको बिल्कुल अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करें, क्योंकि उसमें आपको कोई टैक्स लगना नहीं है, उससे आपकी कैपिटल की ग्रोथ होनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि काफी लोग इन सारे कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं, खास करके छोटे बच्चे जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको स्कॉलरशिप या अवार्ड मिलने वाला होता है। जो स्कॉलरशिप और अवार्ड मिलता है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखा सकते हैं, या उनके पेरेंट्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखा करके उसकी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, उसमें कोई भी मैक्सिमम कैपिंग नहीं की गई है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूं, ये जो मैंने आपके साथ इनकम आप डिसाइड किए हैं, जो भी आपके साथ डिस्कस करा है, ये पूरे के पूरे एग्जम्पशन है इनकम। सिर्फ एक इनकम ऐसा था सेविंग्स इंटरेस्ट का, जो कि आपको डिडक्शन के रूप में मिलता है। बाकी जो 4 इनकम है वो आपको एग्जम्पशन के रूप में मिलता है। एग्जम्पशन का मतलब हो गया कि उसको आप इनकम के अंदर इंक्लूड ही नहीं करेंगे, आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना है कि ये अमाउंट जो है हमारे इनकम में आया था, लेकिन ये एग्जम्प्टेड है। मतलब उस पर कोई भी टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको सिंपली से डिस्क्लोज करना होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में एज एन एग्जम्प्ट इनकम। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।